नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक आंगनबाड़ी वर्कर बहन अपनी समस्या को लेकर के आई और उनकी समस्या सुलझाना बहुत ही ज़रूरी है। यहां पर आपको बता दें, अभिषेक कुमार के नाम से चैनल पर जो है कमेंट भी उनका होगा, आप लोग देख सकते हो। कल के ही किसी वीडियो में उन्होंने लिखा है, नमस्ते भैया, आपकी तबीयत कैसी है? और ठीक तो है भैया जी, मेरी एक समस्या है, कल भी मैंने कमेंट किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरी यही समस्या है कि 69,000 में जो है उनका हो गया है, सरकार एनओसी के लिए कह रही है, मेरी समझ में नहीं है आ रहा है कि जो है एनओसी के लेने के बाद जो है आंगनबाड़ी पद समाप्त हो जाएगा, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो समस्या ये है दरअसल, मैं आपको डिटेल से समझा दूं, और भी कोई भाई बहन यदि समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। यदि आप भी कोई नौकरी कर रहे हो और कल को आप किसी दूसरी नौकरी में फॉर्म डालते हो, आपका हो जाता है, तो इस जो नौकरी से आप लोगों को एक तरह से त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और आपको एनओसी के लिए बोला जाएगा। यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका जो है फुल नेम बोला जाता है एनओसी को। तो ऐसे हम आपको बता दें कि आप लोगों को पहले बहन पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका 69,000 भर्ती में कितने टोटल अंक बनने हैं। आप लोग को आपको यानी पता होगा, यदि आप जान रहे हो कि हम सेफ जोन में हैं और हमारा पक्का ही पक्का हो जाएगा, तो आप एनओसी बिल्कुल दे दीजिए, खुशी खुशी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आंगनबाड़ी की नौकरी में 5,000 में कुछ नहीं रखा। आपका प्राइमरी अध्यापक के तौर पर यदि भर्ती की जा रही है 69,000 में, आप एक टीचर बनने जा रही हैं और ऐसे में सैलरी आप सब जानते हो 40,000 प्लस ही मिलेगी, 40-50 के बीच में। तो यहाँ पर बहुत खुशी की बात है ऑल इंडिया के पास, कम से कम ऑल इंडिया पर यहाँ पर आंगनबाड़ी बहन आज एक अध्यापक बनने जा रही है, तो इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे लग रहा है कि आपको एनओसी देना चाहिए। पहली बात, आप अपने जो अंक हैं, टोटल मेरिट है, वो बता दीजिए कमेंट करके, ताकि पता चल पाए, मैं उसका कुछ सुझाव दे दूं कि हाँ आपका हो जाएगा। दरअसल यहां पर आपको हम बता दें, 1,00,000 और शायद कुछ 49,000 या 44 या 42 ऐसे ही कुछ थे जो बच्चे पास हुए थे, 1,50,000 के करीब शायद थे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, 1,40,000 प्लस कुछ थे, तो ऐसे में 69,000 भर्तियाँ हैं, तो आप समझ सकते हो दोगुना बच्चा पास है। इनमें आधे लोगों का होगा, आधे का नहीं होगा। इसका मतलब जिसकी मेरिट जो है ज़्यादा होगी उसका होगा। तो ऐसे में आपकी यदि मेरिट ठीक ठाक है, आप आ सकती हो 69,000 लोगों में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात रहेगी। यानी 70 के समथिंग क्या आपकी मेरिट टोटल बन रही है या कितनी बन रही है मुझे नहीं पता, आप जब बताएंगी तब पता चल जाएगा। बाकी एनओसी आप जो है आपको लेना पड़ेगा। एनओसी का मतलब यह है कि आप जिस जिले से आपने मान लीजिए फॉर्म डाला या कहीं से भी, आप लोगों को अभी काउंसलिंग के लिए बोला जाएगा, मेरिट लिस्ट बनकर के तैयार होगी, जहां जहां सीटें वगैरह निकल रही है सब कुछ जब प्रोसेस होगा, तो एनओसी आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र से लेना पड़ेगा, त्याग पत्र आपको देना पड़ेगा, ये नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी, एक कागज वगैरह इससे जो है जुड़ा हुआ आपको बनवाना होगा। अपने विभाग के अधिकारियों को जब आप बताएंगे तो आप लोगों को कह देंगे कि आपको ये बनवाना और ऐसे से करना है, और या फिर आप अपने वहां किसी से भी इसके बारे में डिटेल से और जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपकी नौकरी तब तो जाएगी जब आप एनओसी बनवा लेंगी, और पता चला कल को वहां पर भी नहीं हुआ तो यहां पर दिक्कत होगी। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप एनओसी ना लें इस चक्कर में कि आंगनबाड़ी की नौकरी छूट जाएगी। दरअसल यहां पर यदि आप पहले नंबर बताएं आपके कितने, आपको लग रहा है आप सेफ जोन में हैं, आपकी कितनी मेरिट टोटल बन रही है, तो आप एनओसी लीजिए, खुशी खुशी लीजिए और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप शायद मेरी ये जो वीडियो है ये आपके लिए है, स्पेशल वीडियो है, मैं आपको बता दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य पूर्वक जो है आगे काम करिए, एनओसी लीजिए, और ये सब कुछ यदि बोला जा रहा है तो मौका देखिए, और यहां पर शायद कुछ अच्छा ही हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, बहन के द्वारा ये मैसेज था और उन्होंने दो बार किया है, कल मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो कल मैंने वीडियो भी नहीं, कल बस शुरू में बना दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में जो है आज कल अल्ट्रासाउंड के लिए गया था, वहां पर भी जो कुछ हो नहीं पाया, 30 के बाद बोल रहे हैं आने के लिए। फिलहाल के लिए मैं अब दूसरे जगह जो सिटी जा रहा हूं, यानी कि अब लखनऊ या कानपुर या फिर हरदोई कहीं ऐसी जगह जाऊंगा, और यहां पर अभी बात वगैरह हो चुकी है अस्पताल वगैरह में, तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे। तो ऐसे में अब जो है थोड़ी राहत है, तो आज मुझे फिर जाना है, तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए कुछ मैसेज आए उन्हें भी आप सब देख लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग, आंगनबाड़ी के जो है संबंधित इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मिलेगी क्या? तो ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पर जो भी भाई बहन करते हैं, आप लोग एक छोटी सी गलती करते हो, वो उसका मतलब ये है कि आप पहले पूछते हो कि हमें क्या आंगनबाड़ी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर कोई कहता है भैया एक बात पूछना चाहते थे, पूछ सकते हैं क्या? आप एक बार ऐसा मैसेज लिखते हो, मैं मुझे जब समय मिलता है, मैं किसी जब इतनी मेहनत करके यानी कि इतना समय देखने के बाद आपके मैसेज पर आता हूँ, मौका मिलता है आपका मैसेज पढ़ने का, तब देखते कि आपकी समस्या तो लिखी नहीं, आप तो सिर्फ अभी पूछ रहे हैं, फिर मुझे फिर लिखना पड़ता, हाँ भैया पूछिए क्या समस्या है, फिर आप उस समस्या को कभी मैसेज देखते हो, फिर आप दोबारा पूछते हो, फिर एक डेढ़ दिन और लग जाते हैं, फिर आप लोग जो मैसेज करते हो, फिर मुझे जब समय मिलता है तमाम मैसेजों को देखते हुए फिर आपके मैसेज पर मैं जब पहुंचता हूं फिर आपकी समस्या देख पाता हूं। तो इसका मतलब है जो पूछना हुआ करे उसको सीधा आप लिख करके भेज दिया करो, यह मत कहा करो क्या मैं ये पूछ सकता हूं या मुझे
ये जानकारी चाहिए, जो आप लोगों को पूछना है वो आप जो है लिख करके भेज दो, मुझे जैसे ही समझ मिलता है मैं उसको देख करके रिप्लाई दे दूंगा, या आपकी जो स्क्रीनशॉट लेकर के चैनल पर आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि दो दो जगह बताना भी दिक्कत भरा रहता है। तो मैं सोचता हूँ जो भी हो वो चैनल पर आ जाए, तो चैनल पर और भी लोगों की यदि वही सेम समस्या होगी तो वो भी जान लेंगे। ये हमारे पास एक जो है प्रारूप जैसा है, ये प्रारूप में आप देख सकते हो लाभार्थी अभिभावक के बैंक खाते में टेक होम राशन के समतुल्य डीबीटी वगैरह करने के संबंध में ये कुछ कालम उनके वहां पर आंगनबाड़ी बहन को बनवाए जा रहे हैं पैसा वगैरह उनके खाते में भेजने के लिए। और आंगनबाड़ी ये बहन है हमारी रेखा वर्मा, उन्होंने लिखा है भैया जी ये रिपोर्ट बहुत जल्द मांगी जा रही है मोहनलालगंज में। तो मोहनलालगंज में बता रही ये चीज मांगी जा रही है, मोहनलालगंज तो आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है जहां तक, तो यदि आप उत्तर प्रदेश से ही हैं और ये सब कुछ डीबीटी के लिए मांगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं शायद आपके वहां पर जो अधिकारी हो वो उनको लेट जो है उन डायरेक्टर महोदय का जो लेटर पहुंचा हो निदेशक महोदय का और उनको पता ही ना हो कि ये सब कैंसिल हो चुका और वो अब जाकर के आदेश ऐसे निकाल लें। तो ऐसे में जो भी होगा फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को पूरा करके बताऊंगा आगे क्या होता है। संगीता बहन है, उन्होंने ये हमें जो पोषाहार वितरण वगैरह टीएचआर बांटते हुए जो फोटो वगैरह भेजी है पोषाहार वगैरह बांट रहे, जिला प्रयागराज तहसील वगैरह फूलपुर से है आंगनबाड़ी बहन संगीता बहन। तो आगे हमारे पास एक और मैसेज है एबीपी इंडिया न्यूज की तरफ से, उन्होंने भी ये लिखा है, महेश राघव जी हैं और उनका मैसेज है, वो कहना चाहते हैं कुछ। सुधांशु भाई जी नमस्कार, सुधांशु जी आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं की समस्याओं को पटल पर रख रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, हम सभी आपके जल्दी स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे उन सभी हजारों आंगनबाड़ी बहनों को जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कई बार जो है पूछा है तबीयत कैसी है और उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत सी बहनें हैं जो हमारे यूट्यूब पर मेरी पोस्ट पर भी बहुत से रिप्लाई लगे हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हजारों में हैं किस किस को कर पाएंगे, तो मैंने बस कमेंट पढ़ी है और देखा है, तो उन सबको दिल से धन्यवाद वीडियो के माध्यम से। आगे आपको ले चलते हैं हम अगली बहन की खबर की तरफ, ये हमारी बहन है बैतूल से है मध्य प्रदेश से और उनके भाई जी एक पटवारी यानी कि लेखपाल हैं, और ऐसे में वहां पर वो एक रेत का खनन हो रहा था तो रेत का खनन रोकने के लिए वो गए थे और ऐसे में जो वहां पर लोगों ने जो पथराव वगैरह किया तो उसी में वो घायल हो गए। तो ऐसे में बहन ने ये फोटो वगैरह जो न्यूज़पेपर में वहां पर निकली है तो उन्होंने भेजी है, मेरी बहन है आंगनबाड़ी वर्कर उन्हीं के भाई है ये पटवारी। तो आगे आपको बताना चाहेंगे, देख सकते हो राजमती बहन है, उन्होंने भी एक मैसेज लिखा है, सुधांशु भाई जी नमस्कार, मैं यूपी जिला सीतापुर से हूं, मेरा नाम राजमती है, भैया जी आप यहां से सलाह लेना चाहती हूं कि मेरी सुपरवाइजर ने व्हाट्सएप भेजा है वॉल पेंटिंग के 1200 रुपए जो मात्र समिति के खाते में गए हैं वो मुझे तत्काल निकाल कर दे दो। तो क्या भैया जी सच में उन्हें निकाल कर देना है? यदि उनको देना था तो हम लोग उन जो है धन के जो है लिखा हुआ खाते में क्यों भेजे गए? भाई जी इस लेटर का जवाब मुझे जल्दी देना क्योंकि कल मुझे ऑफिस बुलाया गया है, धन्यवाद। तो यहां पर देख सकते हो 1200 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खाते में आए और ऐसे में उनके सुपरवाइजर उनके उनसे जो पैसे मांग रही हैं, आंगनबाड़ी वर्कर अपनी समस्याओं को ऑल इंडिया के माध्यम से बता रही है और ऑल इंडिया बिना झुके बिना डरे निडरता से सच्चाई के साथ में एक एक बहन की आवाज को डेली उठाने का प्रयास करता है और इसके बावजूद भी जो है इन चीजों पर संज्ञान नहीं होता। ये बहनें कहां से हैं मैं कहता रहता हूं, बहन अपना ब्लॉक अपना नाम जो है बढ़िया हिंदी में साफ साफ लिख करके भेजो ताकि पढ़ने में भी आए और बाकी के लोग आपके क्षेत्र के यदि यूनियन वाले तो उन पर भी एक धब्बा लगे क्योंकि ये भी जरूरी है, आपके क्षेत्र से हैं और आपके वहां की समस्याएं उठ रही हैं और आप उनका निराकरण यदि नहीं करा पा रहे हैं और आप सिर्फ क्या पर्ची काटने के लिए यूनियन में बैठे हैं तो ऐसे में उन लोगों को भी एक संदेश जाना बहुत ही जरूरी बनता है। और साथ ही साथ इससे भी बढ़कर के हमारी सरकार को और हमारे यहां पर निदेशालय में बैठे अधिकारियों को हमारे बाल विकास विभाग के अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि सुपरवाइजर आंगनबाड़ी पर कहीं कहीं कितना प्रेशर डालती हैं और कहीं कहीं सुपरवाइजर अच्छी भी हैं तो हर एक जैसा नहीं है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1200 रुपए आंगनबाड़ी के खाते में आए लेकिन उनके ही पैसे मांगे जा रहे हैं कि हमें निकाल करके दो, तो इतनी धांधली चल रही है बाल विकास में। ये देखिए एक लेटर है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा और उन्हीं को है, साथ में बाल विकास परियोजना अधिकारी गोंडा, तो गोंडा से यह लेटर है, इसमें लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ आज दिनांक 22 मई को अखिल भारतीय सेविका एवं सहायिका फेडरेशन के आह्वान पर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सीटू के नेतृत्व में निम्नलिखित मांग पत्र उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के द्वारा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो यहां पर लिखा कोविड-19 के अंतर्गत जो कार्य करने में सुरक्षा अतिरिक्त भत्ता वगैरह इलाज के लिए और 50 लाख का बीमा कवर ये सब कुछ पीपीई किट वगैरह मांगी गई है, साथ ही 62 वर्ष की जिनकी उम्र हो चुकी है उनको हटाया जा रहा है ना तो उसके लिए भी यहां पर बात रखी जा रही है कि उनको भी आगे कुछ दिया जाए और यहां पर आयु सीमा का बंधन वगैरह समाप्त किया जाए और ग्रेच्युटी वगैरह उचित पेंशन की व्यवस्था वगैरह भी की जाए इसकी भी मांग उठ रही है। साथ ही प्रदेश के सभी रिक्त पदों पर योग्य सहायिकाओं को वरीयता देकर कार्यकर्ती रिक्त पदों पर प्रमोशन वगैरह भी उनको दिया जाए तो आयु सीमा की बाध्यता समाप्त की जाए, ये सब कुछ यहां पर जो है कहा जा रहा है। तो दरअसल यहां पर आपको बता दें प्रमोशन वगैरह दिया जाए आयु सीमा की बाध्यता समाप्त की जाए, तो प्रमोशन में आयु सीमा की बाध्यता समाप्त हो ही नहीं सकती। मांगे भाई बहनों यूनियन वाले हमारे वो रखा करो जो एकदम जाया जाऊं, कहने का मतलब है प्रमोशन 60 साल
पर मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी पहुंचने वाली है, 50 साल पर पहुंचने वाली, उनका क्या प्रमोशन कर देंगे? 10 साल के बाद इतनी मुश्किल से प्रमोशन आता है, और ऐसे में प्रमोशन यदि सभी का ऐसे हो जाएगा, बाध्यता समाप्त हो जाएगी, तो क्या सब सुपरवाइजर ही हो जाएंगी? और तो और यहाँ पर वो बात एक अलग है, जब उम्र ज्यादा होगी तो सुपरवाइजर पर वो कल ना कल तो वो कभी ना कभी तो रिटायर होंगी, तो रिटायर जब होंगी तब क्या होगा? तो ऐसे में बार बार उनको प्रमोशन ही करने पड़ेंगे। ये भी जो है सरकार बिल्कुल मानने वाली नहीं है। ये मैं नहीं कहता ये गलत है, आपकी मांग गलत है, मैं ये कहता हूं ये सरकार बिल्कुल मानेगी नहीं ये मांगों को। तो मांगे वो रखे जो उचित है, यानी अभी क्या जरूरी है आंगनबाड़ी घर घर जो पोषाहार सर पर गठरी रखकर के लाद कर जा रही है, ये पहले आप बंद कराओ, इसके लिए आप आवाज उठाओ। 62 वर्ष की जो आंगनबाड़ी जो नौकरी छोड़ रही है उनको सिर्फ पेंशन की मांग उठाओ, और ज्यादा कुछ नहीं, उनकी उनको पेंशन दिला दो 4-5 हजार महीने का, इसके लिए मांग रखो। सरकार जो दे सके उतनी मांग रखो, तो ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, सरकार शायद एक बार सोच ले, अन्यथा ज्यादा मांगे देख करके वो कूड़ेदान में हम लोगों के लेटर डाल देती है, आवाज कोई भी सुनी नहीं जाती। तो यहां पर फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। राधा कुमारी जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष जो है यहां पर संतोष कुमारी, संतोष श्रीवास्तव है, ब्लॉक अध्यक्ष वंदना बहन है, और ऐसे ही ऐसे हमारे और भाई बहन है, तो उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने लेटर मुझे भेजा है। और ऐसे ही सभी को आवाज उठानी चाहिए, आप आवाज उठाते रहिए, कभी ना कभी जो है इन चीजों को इनका अच्छा परिणाम देखने को आंगनबाड़ी के लिए मिलेगा। और फिर आप कम से कम अपना फर्ज तो निभा रहे हैं, तो फर्ज निभाना जरूरी है। रुद्र के नाम से भाई हैं, उन्होंने ये फोटो वगैरह काफी भेजी है, C2 वगैरह की तरफ से है और फोटो से ही लग रहा है। और ऐसे में देख सकते हो 22 मई को जो है ये सब कुछ विरोध वगैरह दिवस C2 की तरफ से फिर मनाया गया आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के। इन्होंने लिखा है, भैया जी हमारे यहां की खबर अपने चैनल पर जरूर दिखाएं, राधा कुमारी बहन है गोंडा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्रयास करते रहिए। जो भी भाई बहन प्रयास करते हैं यूनियन वाले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो ऑल इंडिया की मेहनत में जो है हाथ बटा रहे हैं, आवाज उठाने में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो कि उनका फर्ज भी है। लेकिन यहां पर ऑल इंडिया पर आप जानते हो आंगनबाड़ी वर्कर समस्या लेकर के आती हैं, यहां पर जब समस्या उठती है तो उन समस्याओं को गति यदि आप दे देते हैं लेटर में शामिल करके, या जहां से समस्या उठती है उनके बारे में पता करके, तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम आपके ही क्षेत्र की बहनों को आप पर भरोसा होगा कि हां हमारे क्षेत्र का यूनियन हमारे लिए काम कर रहा है, और एक बार मैंने अपनी आवाज लगाई थी तो आज हमारे यूनियन ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और हमारी मांग के लिए हमारे कदम से कदम मिलाकर के साथ चल रहे हैं। आगे मेरे पास एक मैसेज इसमें लिखा है, क्योंकि सेवा समाप्ति के बाद यहां पर दरअसल दो पोस्टें हैं, एक ये लिखा है उमा शंकर लाल श्रीवास्तव जी, संरक्षक आंगनबाड़ी का जो है एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन और कंपियरगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश विषय वगैरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के संबंध में। सुधांशु भाई नमस्कार, आंगनबाड़ी की 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार को ₹5,000 मासिक पेंशन वगैरह देनी चाहिए। देखिए ये कहते हैं मांग, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है, कम शब्दों में सिर्फ पेंशन की मांग की है 5,000 की, सरकार ये दे दे बस बहुत है आंगनबाड़ी के लिए, क्योंकि वैसे भी 5,000 बहनें पा रही हैं और काम जो है सुबह से शाम तक करना है, तो बहनें रिटायर हो जाएंगी, बहुत मेहनत कर ली, 60-65 साल की हो चुकी है, अब क्या वो बेचारी अभी भी काम करती रहेंगी? तो रिटायर हो जाए, उनको सरकार पेंशन दे दे और काम से उनको मुक्ति दे, बहुत अच्छी बात रहेगी। दूसरे लोगों को वहां पर रोजगार दे दे, उन्हीं के हो सकता है कोई ना कोई बच्चे नौकरी करेंगे, या देश का कोई और बच्चा या लड़की कोई भी जो है वो नौकरी कर पाएगा, उसे भी कुछ मिलेगा। लेकिन सरकार क्या करती है, नौकरी जो है उन्हीं लोगों को रखना है, वही पैसे जो है में, और पेंशन भी नहीं देनी है और नौकरी भी दूसरों लोगों को नहीं देनी है, जो कि गलत है। नौकरी आप जो है पद निकालिए, क्योंकि लिखा है सेवा समाप्ति के बाद परिवार का पेंशन ही सहारा होगा, सरकार से आंगनबाड़ी की यही मांग है, सरकार सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार जरूर करे। आगे मेरे पास एक मैसेज ये लेटर आया है, आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की तरफ से, और इसमें लिखा है सेवा में मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ऐसे में यहां पर भी वही चीजें सारी समस्याएं लिखी गई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से 5 लाख का बीमा कवर और 1 अप्रैल 2020 से महामारी भत्ता भी यहां पर लिखा गया है, ये आप देख सकते हो ₹25,000 प्रतिमाह। क्या आप सब एक बात का जवाब देना, सरकार 5,000 नहीं दे पा रही तो 25,000 कैसे दे सकती है? मैं बार बार कहता हूं, मैं एक साल पहले भी मैंने शुरू किया था जब वीडियो, तब हमने बताया था कि मांगे वो रखो जिनको सरकार देखने के बाद एक बार सोचे विचार करे कि हाँ चलो इतना दे सकते हैं तो मेरी तरफ इनका वोट बैंक ही आ जाएगा, लालच में ही सरकार करेगी ये बात याद रखना। आपकी दिक्कत आप परेशानी समस्या को देख करके सरकार कुछ नहीं देगी, ये बात आप लिख करके रख लीजिए। तो यहां पर सरकार को लालच होगा वोट बैंक का, और उसके बदले में सरकार को क्या देना पड़ेगा ये जरूरी है। तो आप यदि मांग कर रहे हो ₹25,000 प्रतिमा की, आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है, तो ₹25,000 सरकार बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। तो ऐसे में मैं यही चाहता हूं कि आप उतना मांगे जितना सरकार आसानी से दे दे, बहनों को उतने की जरूरत है पहले वो मिल जाए। ऐसे ही जो आंगनबाड़ी की समस्याओं की मांगों को लेकर के जब आवाज उठती है कि जो पैसा उनका, कोई कहता 18,000 करे, कोई कहता इतना करे, मैं कहता हूं आंगनबाड़ी का 10 से 15,000 के बीच में आप मांग उठाइए, इतना यदि सरकार दे दे अन्य अन्य राज्यों में जब मिल रहा है तो वही बहुत है। लेकिन ज्यादा के चक्कर में ना कुछ भी नहीं सरकार देती, और जो देती है वो भी उनके हाथ में नहीं आता, कई बार विरोध करने
करने के चक्कर में और गलत हो जाता है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ बाकी हमारी अनीसा खातून बहन ने ये लेटर जो लिखा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से प्रयास तो कम से कम किया, अपनी समस्याओं को देखते हुए भाई बहनों के लिए 25,000 की कम से कम मांग उठाई है। तो उनको दिल से जो है धन्यवाद ऑल इंडिया की तरफ से, और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें। लेकिन अगली बार बहनों आप सब एक बात का ध्यान जरूर रखना, मांग में उतना ही रखना जितना आपको लगे कि सरकार ये शायद दे दे, अन्य अन्य राज्यों में मिल भी रहा हो। तो पहले वही मांगों को अपने अपने वहाँ जो है लागू करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी बहन जो हमारी अनीसा खातून है, आप लोगों ने काफ़ी बार बहन के जो वीडियो भी देखे हैं, उन्होंने फोटो वगैरह भी भेजी हैं, तो ऐसे में देख सकते हो भाई यहाँ हमारा मांग पत्र वगैरह आज जो CDPO गोमती को दिया है और इसे न्यूज़ में डालना, अनीसा खातून बहन है। तो ये बहन की तरफ से उनका न्यूज़ में तो मैंने डाल दिया, अभी मैंने लेटर वगैरह देखा है, नीचे मैंने नाम पढ़ा तो अनीसा खातून बहन लिखा है, बाद में फोटो आई। तो यहाँ पर बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम बहनों के लिए इतनी जो है मेहनत पूर्वक जो काम तो कम से कम कर रही हैं, अपनी खबरों को भी यहाँ पर दिखा रही हैं बहनें और प्रयास भी बहनों के लिए कर रही हैं। तो ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। और भी लोग यदि वीडियो देख रहे हैं आप तक आवाज़ जा रही है तो आप सब भी प्रयास करना, यूँ ही करना, गलतियाँ एक बार होंगी दोबारा तो कम से कम आपको सीख मिल जाएगी कि हाँ मुझे इस बार इतनी नहीं इससे कम मांग रखनी है ताकि सरकार कुछ दे और विचार भी कर सके। तो यहाँ पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बहनें इस तरह से जो मांग पत्र भेज रही हैं तो वो गलत कर रही हैं, गलत नहीं कर रही, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मैं सुधार पूर्वक आपसे विनती कर रहा हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि इतना मांगे कि सरकार दे दे, समस्या भी ना हो और हम लोगों को मिल जाए, लंबा संघर्ष भी ना करना पड़े। इन चीज़ों को आप समझिए, बूंद बूंद से कहते हैं ना घड़ा भरता है, तो एक बार में ही घड़ा नहीं भरेगा। कौवा भी एक बार कहानी सुनी होगी, प्यासा था तो यहाँ पर पूरा पानी ऐसे नहीं पी सकता था, तो वो बेचारा एक कंकड़ ला रहा था, डाल रहा था, फिर घड़े में फिर एक लाता था फिर डालता था, उसको भरोसा था मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा तो शायद कभी घड़ा ऊपर तक जो भरेगा और पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूंगा। सेम समस्या ऐसी है, मैं आज प्रयास कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास जो ये चल रहा है ना ये लंबे समय तक चलेगा, कभी ना कभी सरकार की या लोगों की नजर ऑल इंडिया पर जरूर पड़ेगी जब यहाँ पर आंगनबाड़ी की यूनिटी दिखेगी, ताकत दिखेगी। और साथ ही हमारे यूनियन के जो प्रयास है ना तो ये भी उनके प्रयास कभी ना कभी तो काम आएंगे। तो आज वो जो मांगे भर रहे हैं, आप मान लीजिए घड़े में कोई बड़ा कंकड़ डाल रहे हैं पत्थर तो अंदर जाएगा ही नहीं, कहने का ये मतलब समझ रहे हो। सरकार को आप कुछ भेज रहे हो, मान लीजिए सरकार घड़े के अंदर बैठी है, आप उनके पास कुछ भेजना चाहते हो, सरकार वो पानी है मान लीजिए जिसे आप लोगों को पीना, या सरकार वो है जो घड़े में एक तरह से पैसे टाइप का है वो आप तक आना है, वो कैसे आएगा? जब थोड़ा थोड़ा आप डालेंगे उन पर, थोड़ा थोड़ा आप प्रेशर डालिए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, तभी आप लोगों को वो पैसा बढ़ा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ज्यादा मांग के चक्कर में कुछ उन तक आवाज नहीं जाएंगी, मतलब डस्टबिन में कूड़े में आपके लेटर वहां पर पड़े रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही चीजें समझानी होती है मुझे, और यहाँ पर देख सकते हो लोगों को तो अच्छा लगेगा, बहनों को तो बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अभी झूठी मांगने की खबरों में जो है लिप्त रहती हैं, उनको लगता है कि 18,000 मांगे हो जाएगा मेरे लिए मांग उठी है, तो उन बहनों को तो अच्छा लगेगा कि मेरे लिए 25,000 की मांग उठी है। लेकिन वो मिलने वाला जब नहीं है, उस पर कोई सरकार विचार ना करे, कूड़े में डाल दे, तो फिर उसका फायदा नहीं रहेगा। मेरा कहने का समझाने का मतलब ये है। तो अगली बार बहनों जब भी कुछ करना तो मांग कम रखना, अच्छी रखना, सटीक रखना। जैसे मैंने देखा बिहार में 50,00,000 का बीमा कवर को लेकर ही उन्होंने कई बार लेटर लिखे, 10-12 बार यूनियन ने सिर्फ 50,00,000 के बीमा कवर का लेटर लिखा और वो लेटर उनका मान लिया गया, वो लेटर मान लिया गया। अब मान लीजिए उस 50,00,000 के बीमे में 25,000 मानदेय भत्ता, 18,000 वेतन, तमाम चीजें शामिल कर ली जाती, रिटायर होने पर पेंशन, ये सब कुछ, तो क्या सरकार मानती? बिल्कुल नहीं मानती, सुनती नहीं, एक कूड़े में डाल देती। तो हम यही समझाना चाहते हैं, एक एक मांग को उठाइए, जो जितना मिल सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे प्रयास करिए, आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। यू पुरुखों की जमीन बेचकर ना जाया करो, कब छोड़ना पड़ जाए शहर, इसलिए गांव में भी घर बनाया करो। ये एक पोस्ट मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाएं। इस समय आप देख रहे हो प्रवासी लोग बेचारे जो इधर उधर घूम रहे थे, कभी तो यहां कमाने जा रहे थे, कभी वहां कमाने जा रहे थे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गांव की जो घर जमीन है उसको बेच देते हैं। आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। पुरखे जो जमीन आपको जो है कुछ जमा करके दे गए हैं आपको कमाने खाने के लिए, उसको बेच करके आप कहीं बाहर मत जाओ खास तौर पर। और यहां पर भी बेच करके बहुत से लोग जो शराब पीते हैं, ये करते हैं और उड़ा देते हैं पैसा जमीन वगैरह। तो ये सब कुछ आपके काम जो है बिल्कुल गलत हैं। आप कुछ उसको बढ़ा नहीं सकते हो अपने पुरखों की जो जमीन को, संपत्ति को, तो उसको कम से कम घटाने का अधिकार भी आपको नहीं है। आपको जो उससे मिल रहा है फल, जैसे मान लीजिए आपके पुरखों ने पेड़ लगाए हैं या कोई भी लगा करके गया है, पेड़ आपको फल दे रहा है, आप यदि दूसरे पेड़ लगा नहीं सकते हो तो कम से कम उस पेड़ को आप काट भी नहीं सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, आपके पुरखों ने आपको जमीन दी है, संपत्ति दी है, तो उसको आपको बढ़ाना है, आगे और बढ़ाना है,
नाक की जो है उसको बेच करके और कम करना है। तो ऐसे में चीज़ों को समझिए, आज लोगों को गांव ही नज़र आ रहे हैं, तो जो गांव में हैं खैर वो तो गांव में हैं, अब जो शहरों में थे वो भी गांव भाग रहे हैं, तो कब छोड़ना पड़ जाए ये आप जो है कोरोना के मद्देनज़र आप लोग समझ चुके होंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मैंने इसलिए बनाया था, अभिषेक कुमार के नाम से आईडी है और बहन का 69,000 भर्ती में हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ बहन का हो जाए, बस खुशखबरी बहन ये दे दें कि उनके नंबर कट ऑफ यानी कितने टोटल मेरिट बन रही है, मेरिट जो बन रही है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मेरिट यदि अच्छी है तो बहन का हो जाएगा। आंगनबाड़ी के पद से आप इस्तीफा दे देना, बहुत अच्छा रहेगा, और वो नौकरी करिए बहन। एनओसी वगैरह कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, सर्टिफिकेट टाइप का बनता है, आपको नौकरी पहले छोड़नी पड़ती है, उसी के बारे में है, और डिटेल से जानकारी विभाग के अधिकारी कोई बड़ा उनसे पूछ लीजिए, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। और इन चीजों के बारे में आप किसी को भी और कुछ जानकारी है एनओसी के बारे में जो मांगा जा रहा है, तो उसके बारे में भी आप सब लोग जो कमेंट के माध्यम से बहन को कुछ सलाह वगैरह भी दे सकते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि हर समस्या को ऑल इंडिया पर आकर के देखा करो, कमेंट बॉक्स का प्रयोग खूब किया करो, यहां पर अपनी समस्याओं को, अपना ज्ञान, जो भी राय है, जो भी कुछ भी है, जो भी समस्याओं में उठता है वो आप देना चाहते हो तो आप रखिए, कोई ना कोई तो आपकी कमेंट को पढ़ रहा होगा, कोई देख रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।